दोनों ने खुलकर किया पर्दाफाश एक दूसरे का, मीडिया को कर दिया हैरान। और ये सब पब्लिसिटी है या मिस ड्रामा क्वीन का कोई नया ड्रामा है? मुकम्मल वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। एमएसबी गॉसिप करके आपने उधर इंटरव्यू दिया है, एक दिन पहले दो दिन पहले इंटरव्यू दिया होगा आपका, रोते हुए उन्होंने फोटो डाला हुआ है, मुझे मारती है, मुझे टॉर्चर करती है, आपको भेजा मैंने व्हाट्सएप पे। आपने पोस्ट क्यों डाला फालतू का? अब वो लोग है ना फालतू का बतंगड़ बना के ना, तो तुम क्यों मेरी इज्जत लूटने पे खड़ी हो सलमान भाई, वो भाई ये भाई करके? सलमान भाई को बुरा क्यों बोल रहे हो आप? सलमान भाई ने कब आपको धमकी दी? आपने सलमान भाई को कभी, आपने सलमान भाई ने आपको आपको कभी फोन नहीं करेंगे, वो क्यों आपको? मैं आप बोल रहे हो मीडिया को मैंने के धमकी दी करके सलमान भाई ने आपको, मैं धमकी दे रही हूँ? उन्होंने कैसे डाला कि भाईजान ने इनको धमकी दी और तुम बहुत सॉफ्ट कॉर्नर बन रहे पूरी दुनिया के सामने? मैंने आपको पहले ही बोला, इसीलिए मैंने बोला या तो आप सब सच बता दो या तो खामोश रहो। क्या बताने का है? सच है क्या? सलमान भाई कब फोन किया था मुझे? मैंने तुम्हें कब, मैं क्यों बोलूं? मुझे राखी मारा, वो मारा, ये मारा, मैं क्यों बोलूं? मुझे क्या पड़े है खुद की बेइज्जती करने में? तुम दिन पर दिन बोल रहे आदिल भिखारी है, आदिल चिचोर है, क्यों मेरे पीछे ऐसा पड़ी हो राखी? बदला लेना तो अच्छा लो, छोड़ दो मुझे सड़क में, ये क्यों ऐसा कर रही हो मेरे साथ? बदला आप ले रहे हो, आप कह रहे हो सबको, क्या बात कर रही हो तो? आप बदला ले रहे हो, सबको कह रहे हो कि मैं पागल साबित कर दूंगा दुनिया के सामने, बर्बाद कर दूंगा, जितना बर्बाद किया उतना कम है, आपने बर्बाद किया उतना कम है मुझे, और कितना बर्बाद करोगे? मैंने बोला या तो आप सच बोल दो या तो आप सच बता दो या तो आप खामोश रहो। आप खामोश रहोगे तो मैं खामोश रहूंगी। मैं मेरे घर का, मैं मेरा घर का झगड़ा रास्ते पे नहीं लाना चाहती आदिल, मैं शांति से रहना चाहती हूँ, इसीलिए आज सुबह मैं निकल गई आदिल घर से जिम के लिए, क्योंकि मैं झगड़ा नहीं करना चाह रही। मैंने कभी भिखारी आपको नहीं बोला है, मैंने बोला जब आदिल मुंबई आए थे, आदिल मुंबई आए थे तो कुछ भी नहीं लेकर आए थे, कुछ भी मुझे नहीं दिया, जो दिया मैंने अपना खर्चा किया, गाड़ी जो है वो शैली ने दिया, आपने बना के दिया, शैली ने गाड़ी दिया, और आपने बोला शैली को ब्लॉक कर, मैंने कर दिया। आपने नहीं दिया मुझे गाड़ी, वो भी 7-8 लाख का गाड़ी है, वो भी बार बार बंद पड़ जाती है गाड़ी, मैं ऑटो में घूमती हूँ। ओ सेट
ऐसे देता, बार बार डाइवोर्स की धमकी देता, आज के बाद फोन मत करना ये धमकी देता। ये अभी मैं तो आप लोग को नहीं बुलाई ना यहाँ, क्या मैं बुलाई? आपका लाइव लाइव देख के आया, आपका लाइव देखा। मैं अपना अकेले खड़ी हूँ, आप लोग आ गए। अरे वो आए थे नीचे इंटरव्यू देने, अभी दिया लोगों ने सबको इंटरव्यू। अभी क्या दिया इंटरव्यू? इंटरव्यू वही दिया कि मैं जो भी हो राखी के वजह से हो, ऐसा बोला उन्होंने। तो फिर क्यों कह रहा है, फिर क्यों मुझे धोखा दे रहा है? वही फोन तो फिर ऐसा क्यों डाला कि मैं सुशांत सिंह नहीं बनना चाहता? मैं कहाँ से उसको सुशांत सिंह बना? सुशांत सिंह तो महान व्यक्ति थी, वो कहाँ से सुशांत सिंह? मैंने सिर्फ इतना बोला कि मैंने अपने शादी का खुलासा इसलिए किया कि मैं फ्रिज में नहीं जाना चाह रही, क्योंकि जो मैंने सच कहा उनका अफेयर था, तो वो लड़की उनको बहुत प्रेशर कर रही, हमारे दोनों में घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे, आपको नहीं बता पा रही हूँ मैं, इससे पहले कुछ हो जाए इसलिए मैंने शादी का वो खुलासा किया। तो मैं शादी का खुलासा किया तो मैं कहाँ गलत हूँ आप मुझे बताओ, छोटू और मैं मीडिया बताओ, मैं कहाँ गलत हूँ? और उसमें भी उसने डिनाई किया, पहले डिनाई किया फिर वापस कबूल किया मुझे। सब कहते हैं मीडिया में क्यों जाती है, मैं नहीं जाती हूँ मीडिया में, तुम लोग आते हो। मैं यहाँ पे खड़े खड़े बात बात कर रही हूँ, आप शूट कर रहे हो। मैं क्यों ऐसा बोल रही पता है, ये कुछ नहीं लेकर आया था, क्योंकि सारी लड़कियों को लगता है मेरा हस्बैंड आदिल बहुत अमीर है, हम अफेयर करेंगे तो गाड़ी दे देगा, घर दे देगा, पैसा दे देगा। तो भाई वो कुछ देने वाला नहीं, आप लोग कोशिश कर लो, मुझे कुछ नहीं दिया है, बीवी को आपको क्या देगा? मैंने बता भी नहीं सकते कि मैंने क्या क्या खोया है।